हेलो फ्रेंड्स, गूगल रूम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेटिंग्स के बारे में, बायोस सेटिंग्स के बारे में सोनी बायो लैपटॉप में। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। मेरा शट डाउन है, फुल्ली शट डाउन है ये सिस्टम। ये सोनी बायो लैपटॉप i3 सीरीज का है, यानी i3 प्रोसेसर है इसमें, ई सीरीज का है। तो आप देख सकते हो, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के लिए आपको पावर बटन प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ पे फर्स्ट बटन जो कि असिस्ट बटन होते हैं वो प्रेस करने हैं, छोटे वाले फर्स्ट लेफ्ट साइड से फर्स्ट बटन। तो उसे मैं प्रेस करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए ये जो है विंडोज ऑफ होना चाहिए आपका। ऑफ होने के बाद इसको ऑन करना है आपको। तो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बायोस सेटअप, तो इस पर आपको नीचे वाले बटन से जाना है, यानी कि इससे आपको नीचे की तरफ करना है स्टार्ट बायोस सेटअप और इंटर प्रेस करना है। आप चाहे तो F2 करके भी उसमें इंटर कर सकते हो। तो मैं इंटरफेस कहता हूँ, इंटरफेस कहते हैं। ये देख सकते हो आप, बायोस सेटिंग आ चुके हैं, यानी कि बायोस सेटिंग में आप देख सकते हो, पूरा डिटेल्स देख सकते हो, कितने हार्ड डिस्क है, कितने रैम है और इसके मॉडल क्या है, हार्डवेयर मॉडल क्या है, ये सब दिखा देगा आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डिजेबल है। और सिक्योरिटी में मैं जाता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो बायोस पासवर्ड भी डाल सकता हूँ इसमें। और यहाँ पे बूट मोड जो है, यहाँ पे आप लिगेसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, अगर आप UEFI मोड कहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑलरेडी जो विंडोज है, यानी पायरेटेड विंडोज ऑलरेडी है, जेन्यून विंडोज, यानी कि सिस्टम जब आप खरीदते हो जो कंपनी से विंडोज आता है इंस्टॉल होके 7, 8 या 10, तो वो उसके लिए है। अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर खुद से चलाना चाहते हो, यानी कि विंडोज 8 या फिर 7 या फिर XP जो भी कुछ भी आप चढ़ाना चाहते होते हैं, यहीं से सेटिंग आपको चेंज करने होंगे। ये बाय डिफॉल्ट इसी मोड में होते हैं, यानी कि इस मोड में होते हैं, UEFI मोड में होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लिगेसी। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस बूट और नेटवर्क बूट ये सब कुछ नहीं करने हैं, ये सब छोड़ देने हैं आपको। छोड़ देने के बाद यहाँ पे आपको एग्जिट सेटअप यानी कि सेव चेंज इस पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे गेट डिफॉल्ट वैल्यू कहते हो तो यानी कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा बायोस सेटिंग का। अगर आप डिस्कार्ड चेंज कहते हो, यानी कि आपका चेंज नहीं होगा जो भी आपने चेंज किया है, यहाँ शट डाउन हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो आपको जनरली सेव चेंज करना है, यानी कि सेव चेंज कर रहे हो आप, यस। और यहाँ पे आपको उसके बाद एग्जिट कर देने हैं, ये सब चेक कर लो एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इससे ये होगा कि आप जो है विंडोज जो भी ओपन करते हो तो उसमें क्या है कि आपका जो है विंडोज यही इंस्टॉल होगा, वही इंस्टॉल होगा थर्ड पार्टी विंडोज एंड डुप्लीकेट विंडोज 10, 7 या फिर 8 जो आप चाहोगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मेरा गूगल चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।